इंटरनेशनल न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए जानते हैं देश की राजनीति का क्या है हाल। गुजरात में जाति समीकरण के लिए कोविंद बनाए गए राष्ट्रपति, आडवाणी छूटे, अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है क्योंकि गुजरात के चुनाव आ रहे थे वो बीजेपी घबरा चुके थे कि हमारी सरकार गुजरात में नहीं बनने जा रही है। गहलोत ने आगे कहा, मेरा मानना है कि जातीय समीकरण बैठाने के लिए रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया गया और लाल कृष्ण आडवाणी साहब छूट गए। 3 सालों में 15% से नीचे और 2031 तक बहुत कम हो जाएगी गरीबी। जेटली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि अगले 3 वर्षों में गरीबी में रह रहे लोगों की संख्या 15% से कम हो जाएगी और 2031 तक गरीबी बहुत कम हो जाएगी। उन्होंने कहा, शहरीकरण बढ़ेगा, मध्यम वर्ग बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था कई गुना बढ़ जाएगी। बकौल जेटली, इससे नौकरियों की संख्या बढ़ेगी और नागरिकों के हर वर्ग को फायदा होगा। 75 लाख दो या किडनी बेचने की अनुमति। चुनाव आयोग से बालाघाट प्रत्याशी। मध्य प्रदेश के बालाघाट से निर्दलीय प्रत्याशी किशोर समरीते ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 75 लाख मुहैया कराने का या फिर उन्हें किडनी बेचने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके पास आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा जितना पैसा नहीं है, जबकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के पास करोड़ों की संपत्ति है। तो देश की राजनीति में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।